हेलो गाइस, दोस्तों मैं ताबिश अकेनी वॉचिंग माय चैनल ताबिश डायरीज। दोस्तों आज का जो व्लॉग स्टार्ट करने का रीजन है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है, बहुत ज्यादा सुबह से, मतलब अभी टाइम हो गया 5 बज गए और सुबह 5 बजे से ही बारिश आ रही है। तो सोच रहा था कि ब्लॉग में क्या करे, क्या इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लाए। और मैं बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, बिल्कुल मजे में हूँ, मस्त हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ गुड़िया क्या कर रही है और हम ब्लॉग आज का किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। देखो ये गुड़िया रोने लग रही है। क्यों रोने लग रही है? क्योंकि जो ये प्याज बहन जी है ना, ये जो प्याज बहन जी है, इन प्याज बहन जी ने इसको रुलाया। मेरी बहन को रुलाओगे? मजे वाली बात है। तो तुम इसे खा जाओगे थोड़ी देर। अच्छा गुड़िया अभी बता, आज हम क्या कर रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर? फिलहाल तो मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, पूरा दिन से, क्योंकि चाचा जी की तबीयत खराब है, अभी वो हॉस्पिटलाइज है तो सभी वहां पर थे, लेकिन अम्मी आ चुकी है। अभी अम्मी बाहर बैठी है, कुछ काम कर रही है पार्लर में। तो आज का जो हमारा प्लान डिसाइड हुआ ना ब्लॉग का, वो हुआ है कि आज हम बनाएंगे पकौड़े और मम्मी पापा को हम खिलाएंगे बना के पनीर के पकौड़े। अभी मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए, और प्याज के पकौड़े बनाएंगे, आलू के पकौड़े बनाएंगे। तो प्याज ये काटने लग रही है, साथ ही साथ रोने लग रही है। ये प्याज करने के लिए कोई बात नहीं, अलग से भी और प्याज काटेंगे। तो पकौड़े आज मैं बनाऊंगा और गुड़िया मिल गए, दोनों बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पनीर के पकौड़े लेने के लिए। पकौड़े मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ बनाया, मैं सब्जी बनाऊंगी। चलो ठीक है, ये सब्जी बनाएगी, पकौड़ा तुम्हारा भाई बनाएगा, पकौड़े बढ़िया बढ़िया पकौड़े बनाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ और अब मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए और अब मैं जा ही रहा हूँ। तो चलो फटाफट पनीर ले करते हैं। तो ये देखो, ये बैठी है अम्मी। अम्मी हॉस्पिटल में, चाचा की तबीयत ठीक है? अभी बस आई, सोने से बाहर उसमें निकाला है। अच्छा हाँ, अभी आईसीयू में है। देखो अम्मी ना अभी गेहूं साफ कर रही है, क्लीन कर रही है। मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब अब लोग सोचेंगे कि आटा क्यों नहीं लाते बाहर से, क्यों साफ कर रहे हो, रेडीमेड क्यों नहीं लाते हो, बताओ। क्या बताना है, हम इकट्ठा गेहूं ले लेते हैं। हाँ, तो फिर एक साथ अपना इकट्ठा करके, हाँ, थोड़ा थोड़ा ना अपने हाथों से साफ करके पिसवाने में ऐसा लगता है कि भाई ये क्लीन होगा, साफ होगा। हाँ, मतलब भाई मेन मिलावट नहीं होगी। हाँ, मेन रीजन ये है कि हम भाई घर वाले नहीं चाहते जो हम आटा खाए, क्योंकि रोटियां सबसे ज्यादा खाई जाती है घर के अंदर। तो मम्मी नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसे बाहर का मिलावटी आटा खाए जिसकी वजह से हम बीमार हो जाए। तो मम्मी खुद से स्टार्टिंग से ही खुद से गेहूं को क्लीन करती है और बिल्कुल फ्रेश आटा जो कि हमें मिलता है उसके हम रोटियां खाते हैं ना मम्मी। हाँ। मम्मी बहुत ध्यान रखती है, देखो इतनी मेहनत करती है मम्मी हमें अच्छी रोटियां खिलाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी पनीर लेने के लिए, हम बना रहे पनीर के पकौड़े, आलू के और प्याज के पकौड़े। मैं जा रहा हूँ मैं गुड़िया, मेरा मन है बारिश आ रही है, तुम्हें खिलाएंगे बना के। तबीयत मेरी अब ठीक है, खाओगे तुम भी? खाओगे तुम भी पनीर के? बनाओगे तो चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए। ठीक है, कितना लेगा? हाँ कितने लेगा? आधा किलो, एक किलो, एक किलो ला, ठीक है ठीक है। फिर तो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, अब निकलते हैं पनीर लेने के लिए फटाफट। देखो यार पूरी गली में ना पानी पानी हो रखा है, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है। तो आज आएगा मजा, पकौड़े बनाएंगे अपने हाथों से और घर वालों को खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। यार पानी कितना फुल हुआ है, मतलब अंडर ब्रिज तो बिल्कुल डूबा हुआ है। देखो ये देखना अंडर ब्रिज पूरा डूबा हुआ है। तो यहाँ से जाना तो भाई पॉसिबल नहीं है, वापस मोड़ लेते हैं। अभी ये मत बोलना कि मास्क क्यों नहीं लगाया है, भाई घर के पास ही आया था मैं, इसलिए मास्क नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो भाई अभी बारिश आ रही थी और मैं पनीर तो स्कूटी में पड़ा हुआ है, अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल, पीछे हॉस्पिटल है, चाचा की एक बार तबीयत देख लेता हूँ कैसी है, ठीक है, फिर घर जाऊंगा उसके बाद। रस्ते में पड़ रहा था, सोचा कि एक बार देख लूँ। यार मैं चाचा को ढूंढ रहा, चाचा मिल ही नहीं रहे, कोई भी नहीं हॉस्पिटल के अंदर। हेलो प्रधान कहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में हूँ, सेकंड फ्लोर पे।
उस पर आ जाओ जहाँ पे रिसेप्शन है ना मेन जहाँ कैंटीन है वहाँ पे आ जाओ। तो ये वो है जिसमें मैं एडमिट था, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। अभी लास्ट वीक मैं एडमिट था यहाँ पे, अभी चाचा हो गए, तो सभी ना प्रे करना चाचा जी के लिए हमारे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे फिलहाल तो मिल नहीं रहे कि कहाँ पर है चाचा जी। फरजान भाई चाचा से तो मैं मिल लिया, ही इज बेटर देन बिफोर। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, और उससे पहले एक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड खुशी भाटिया, जैसे कि आप सभी को पता है, जो मेरे ब्लॉग्स में चैनल में भी है, तो अभी उसके साथ मतलब दिखाता हूँ आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ घर पे, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा पनीर अभी तक बचा हुआ होगा या नहीं, क्योंकि जब मैं पनीर लिया था उस बात को करीबन 1.5 घंटा हो चुका है, तो कमेंट कर देना, बता देना कि वो बचा होगा कि नहीं बचा होगा। तो चलो अभी चलते हैं, बारिश भी आने वाली है। ये मोटी, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं यम्मी शॉप पे, इसको पार्टी दे रहा हूँ मैं, वो बताऊंगा किस चीज की पार्टी। तो भाई अभी ये पूछ रही थी कि किस चीज की पार्टी दे रहा है, तो पार्टी जो मैं दे रहा हूँ वो मैं बताऊंगा घर जाके। ठीक है, इसको पता है वैसे, मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगा, सरप्राइज छोड़ दो थोड़ा सा। अभी कुछ खाने पीने का मंगा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलता हूँ घर, क्योंकि पनीर भी बेकार हो जाएगा, पनीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, है? पिज्जा है, पिज्जा पीछे किसी का बर्थडे चल रहा है, तो ऐसा फील आ रहा है कि ना पार्टी के अंदर बैठे, बर्थडे पार्टी के अंदर, है ना। बर्थडे का भी आ रहा है ना, कब है तुम्हारा बर्थडे? 4 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2 अक्टूबर 7 अक्टूबर ये मेरे को याद है। फिर सारे सब्सक्राइबर को पार्टी दोगे? सबको क्या दोगे? समोसे, टॉफी, रसगुल्ला? बच्चे हैं अभी, क्या है कि 2 तारीख को ना, वैसे तो बर्थडे पार्टी तो मैं सेलिब्रेट करूंगा अपनी, सोचू ट्राई करूंगा कि मीट एंड ग्रीट रखूं 2000 बंदों से जो कि सोनीपत से होंगे, उनके साथ फिर थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, फन करेंगे सब्सक्राइबर के साथ। मेरे को भी थोड़ा टाइम दे देना प्लीज। हां ठीक है, इसको बिल्कुल टाइम मिलेगा, मुझे पूरा टाइम मिलेगा। ये देख लो, 2-2 गिलास के अंदर तो कोल्ड ड्रिंक चल रही है इसकी, देखो 2-2 गिलास इसके अंदर। भाई मैं अभी आया हूँ घर पे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मतलब 2-2.5 घंटे हो गए, रात हो गई, और मैं बता रहा हूँ पार्टी मैंने इसलिए दी है क्योंकि मेरा एक तो मैं बताऊंगा 1 हफ्ते बाद, ठीक है वो दिखाऊंगा, दूसरा यह है कि जो मेरा ताबिश शेख ब्लॉग चैनल है ना, वो वेरीफाइड हो चुका है यूट्यूब की तरफ से, उस पर आपको 1 या 2 दिन में शायद, या अभी देख लेना आप, उस पर एक चेक मार्क आ गया है। तो दोस्तों देखो, ये मेरा ना चैनल वेरीफाइड हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, तो थैंक्स अ लॉट दिल से, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपने भाई को प्यार करते रहो, और ताबिश डायरीज पे भी ये वेरीफाइड का निशान जल्दी ले आओ, और सब्सक्राइबर अच्छे खासे करो उस पर भी, ठीक है। और जो दूसरा सरप्राइज है वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीक में, तो 1 हफ्ते के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जो सरप्राइज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब दिल खुश हो गया है, काफी दिनों से वेटिंग में था मैं उसके, अगले हफ्ते बताऊंगा। तो चलो यार, बस थैंक यू सो मच वेरीफिकेशन के लिए, वेरीफाइड करने के लिए मेरे अकाउंट को। प्रिया बना रही है घर का खाना, उसके बाद बना देना पकौड़े वकौड़े बनवा ले यार, वैसे इसने बेसन वेसन गोल रखा है। नहीं गोल रखा, मैं सोच रही थी गोल दो। अच्छा, मैंने सोचा एक बार रोटी बना लूं फिर जाके गोलूंगी। चलो ठीक है, अभी खाना बना लिया इसने घर का, अभी बनाते हैं पकोड़े, ठीक है। वैसे बहुत ऑलरेडी बहुत लेट हो गया यार गुड़िया, हैं? हां मैं बनाऊंगा, मैं काटूंगा लपना। हां ठीक है, मैं काटूंगा। चलो पनीर लेने गए थे, पनीर बनाने गए थे, चल देखो भाई पनीर को ये नहला धुला के इसमें साफ कर दिया। चलो
नहीं यूं मत करो, यूं क्यों कर रहे हो? काम में गुड़िया को छोड़ देता हूँ क्योंकि लड़कियों का काम है लड़कियों को ही साजे, दूसरा करे तो बैंड बाजे, मतलब दूसरा नहीं कि मैं, तो मैं चला तैयार कर दियो ठीक है। पापा आ गए हैं, पापा हेलो करो, पापा हेलो करो, पापा आ गए। तो चल ठीक है बना दियो, उसके बाद सीधा खिला दियो। तो भाई 12 सिलेंडर लिया है ठीक है, ठीक है ये बहुत बेकार है, इसमें सिर्फ दो चार पनीर के पकौड़े गए हैं, बाद में देखा। चलो बैठा ले, नासिर को बुला ले, नासिर को बुला ले, इसने प्याज की भी बना दी है, शक्ल तो अच्छी बनाने पड़े, शक्ल तो अच्छी नहीं लग रही है पकौड़ों की, लेकिन कोई बात नहीं, मन बहुत है खाने का। नासिर हाँ मैंने बनाए, कैसे बनाए? मैंने पापा मैंने बनाया नमक मिर्च, मैंने कम बोल कम बोल, नमक मिर्च सब मैंने, कैसे बनाए पापा? टेस्टी है ठीक है। मेरा कोई रोल है कि नहीं आपका? इसमें रोल कुछ नहीं, आपका रोल खाली खाने का, क्या है रोल? मैंने पैसे नहीं दिए। हाँ बस बस चलो भाई, ये पापा का ये अम्मी का रोल है। तो चलो यार दोस्तों शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चला गया दिया मेरी कल भाई। चल बाय।